तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अ सीरीज आरएल सर्किट, एक आरएल सर्किट है सीरीज टाइप का, आर और एल की वैल्यू देती है, सर्किट करंट देती है, ओके, बट वो इस फॉर्म में है आई एम और आई इजल टू आई एम और साइन ओमेगा टी करके। अब फेज एंगल थीटा बिटवीन वी एंड आई पूछ रहा है, तो थीटा का सीधा सा फॉर्मूला टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ओके, ओमेगा कहाँ से निकलेगा, ओमेगा यहाँ से हम निकालेंगे, ये जो 314 टी है ये ओमेगा टी है। ओके, तो यही हम अब हमें आंसर में जैसे पाई की जरूरत है, ये पाई, तो इस 314 को हम क्या बनाएंगे, पाई के फॉर्म में बनाएंगे, तो ये हो गया 2 इंटू पाई और इंटू 50। कैसे, 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 और पाई होता है 3.14, 3.14 इंटू 100 314, ये 2 पाई इंटू 50। यही देखो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये जो है 2 पाई और इंटू 50 इंटू 20 और 10^-3, तो ये 20 मिली हेनरी और अपॉन आर अपॉन ये 10 ओम, तो ये यूज करके 10 इनवर्स 0.25। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थीटा निकालना है फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई, तो 10 इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, और वैसे 10 इनवर्स ओमेगा आर सी अगर सी है तो। उसके बाद क्वेश्चन है 4 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 मिली हेनरी इंडक्टर क्रॉस आर, ठीक है, ये वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी गई, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट पूछ रहा है। ओके, तो इंपोर्टेंस डायरेक्टली आर प्लस जे एक्सएल से निकाल लेंगे, बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि एक्सएल जो है वो हमारा ओमेगा एल करके लिखना है, या फिर 2 पाई f l, है ना, ऐसे लिखते हैं एक्सएल को, तो जे एक्सएल में एक्सएल को ये कर देंगे, आर प्लस ये आर हमें दिया है, जे ये एल है, पहले तो 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई f, तो 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल, तो ये सारी वैल्यू जो यहाँ से हमने उठाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एल यही 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 हमने यहाँ पे लगाया, 4 प्लस j 3.14 आपका आंसर आ गया, 4 प्लस j 3.14। उसके बाद तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, 100 वोल्ट सप्लाई दिया, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दिया है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज आरएलसी सर्किट हैविंग आर दे दिया है एल दे दिया है, और ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आरएलसी सर्किट है पूरा, करंट थ्रू द सर्किट विल बी आई, सीधे से आपका वी बाई जेड हो गया, जेड आपको निकालना है, तो जेड आपका किस तरीके से निकलेगा, 10 जो रजिस्टर वैल्यू है प्लस जे, इसमें पूरा आपका मतलब ये आर प्लस जे एक्सएल माइनस आपका ये क्या हो गया, वही मतलब जे भी, क्योंकि जे तो कॉमन ले लिया, और एक्ससी ये हो जाएगा, एक्ससी माइनस ये प्लस। अब एक्सएल आपको पता होना चाहिए 1/, सॉरी ये पूरा ऊपर 2 पाई f l होता है एक्सएल, और जब xc निकालेंगे तो वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाता है, xc इज 1/2 पाई f c, वही लगाया है इन्होंने 2 पाई f, और ये l की वैल्यू है, फिर ये 2 पाई f और ये c की वैल्यू है, तो ये सॉल्व करके ये आपने निकाल लिया कंप्लीट z, z निकाल लिया, तो i इज 100/10, और इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, 3.33 एंगल -70.5 डिग्री एम्पेयर। उसके बाद आता है 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड हैज अ रिपल फैक्टर, तो 3 फेज का टाइप है, देखिए ये याद रखेंगे 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर है विद रेजिस्टिव लोड, बट लोड हमारा रेजिस्टिव ही है, तो इसका रिपल फैक्टर हमारा कितना होगा, 0.055, ये रिपल फैक्टर होगा, तो बोल सकते हैं 55%, क्योंकि इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हाँ 55 आ जाएगा, तो ये मतलब क्या है कि रिपल फैक्टर इज लेस देन द सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर से कम होता है रिपल फैक्टर, तो ये याद रखेंगे 3 फेज का। ओके, तो इस वजह से ये वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, 0.055, बाकी वैल्यूज तो बहुत अलग है, ये तो 1 है, ये 0.5 है, ये 0.48 है, तो कम वैल्यू काफ़ी। उसके बाद आता है कि टी ए इजकल टू 50 डिग्री सेल्सियस, टी जे इजकल टू 200 डिग्री सेल्सियस एंड थीटा जे माइनस ए की अगर बात कर रहे हैं, तो वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस और पर वॉट द पावर देन ट्रांजिस्टर 2N1701 कैन सेफली डिसिपेट इन फ्री एयर विल बी, तो पावर हमारा ट्रांजिस्टर कितनी सेफली डिसिपेट करेगा फ्री एयर में, वो हमें बताना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अलग तरीके के क्वेश्चन है थोड़ा सा, टी जे माइनस टी ए अपॉन पी डी जो पावर हम डिसिपेट करते हैं, तो पी डी का फॉर्मूला सीधे क्या निकला है, टी जे माइनस टी ए और अपॉन थीटा, ये कितना दे देगा, 150/100, तो ये कितना दे देगा आपका 1.5 वॉट, आपका आंसर दे देगा 1.5 वॉट, इसकी अगर बात करें तो 1.5 वॉट। ओके, ठीक है, पी डी टी जे माइनस टी ए अपॉन थीटा, मेन ये पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है, इसके फॉर्म में है,
और थीटा उन्होंने ये थीटा जे टू है, ये थीटा दिया ही है, ठीक है, तीनों वैल्यू दी, मतलब इससे इसको माइनस करो और इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा उसके बाद, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा अगर उल्टा करते, जैसे इससे इसको माइनस करते तो आंसर माइनस में जाता, तो वो तो होना नहीं है। तो साफ साफ देखो पॉसिबिलिटी, कैसे इसको माइनस किया तो आ गया 150, 150 को इससे डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया, तो इसी तरह से 1.5 वोल्ट हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, देर आर टू सेट्स ऑफ इनपुट सिग्नल, दो सेट्स ऑफ इनपुट सिग्नल है, इफ इन फर्स्ट सेट V1 इज प्लस, ठीक है, 50 माइक्रोवोल्ट और V2 माइनस है दूसरे सेट में, इन द सेकंड सेट, ठीक है, पहले सेट में दो वैल्यू है, एक तो ये हो गई प्लस माइनस की, दूसरे सेट की बात करेंगे तो आपका वैल्यूज क्या हो गई, एक आपका ये हो गया 1050 माइक्रोवोल्ट, एक आपका ये भी प्लस है 950। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपका यही होता है CMRR 100 है, द परसेंटेज डिफरेंस इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द टू सेट्स ऑफ सिग्नल, तो परसेंटेज डिफरेंस आपको बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपीएम का क्वेश्चन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वी आउटपुट आपका होता है वो इक्वल टू ADM इनटू VD ACM इनटू VCM, मतलब ये आपका डिफरेंशियल मोड गेन, मतलब डिफरेंस वाला, जैसे ये 50 और 50 है तो ये 50 माइनस माइनस 50 ये 100 दे रहा है, ओके। और ये ACM ये कॉमन मोड गेन होता है, ये कॉमन मोड गेन आपका हो जाएगा 50, ठीक है। इसका एवरेज निकाल लेते हैं, जैसे इन दोनों का एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 1050, 950 का 1000, तो वो इस तरीके से निकालते हैं। तो ADM इंटू VD, फिर ये VD उसी तरीके का आपका वोल्टेज भी उसी चीज़ का हो गया, ये गेन हो गया ADM, ये वोल्टेज डिफरेंशियल वोल्टेज कहलाता है, ये कॉमन वोल्टेज कहलाता है, ये टर्म्स उसी से रिलेटेड होकर निकलती हैं। दिस इज डिफरेंशियल वोल्टेज VD, दिस इज कॉमन वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज वाला तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, ओके। तो VO1 जो एक निकालेंगे तो ADM जो पहले का गेन है इंटू VD, ऐसे VO2 इस तरीके से, सो परसेंटेज डिफरेंस अगर निकालेंगे VO2 माइनस VO1 अपॉन VO1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ACM BCM आ जाएगा, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगे, तो ACM BCM ऊपर, नीचे केवल ADM और VD, VO1 अगर करेंगे तो, ठीक है, VO1 केवल ये वाला है, ओके। तो ये आ गया इंटू 100%। अब यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है आपका, CMRR जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो ADM अपॉन ACM के, ठीक है, ACM के इक्वल होता है, दोबारा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, AD अपॉन ACM कॉमन मोड गेन, ये आपका डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, तो यहाँ पे हमें यही लगाना है नीचे, तो ये ACM अपॉन ADM उल्टा हो जाएगा, है ना, तो ये ACM अपॉन ADM क्या हो जाएगा 1/CMRR, तो इसी वजह से ये वैल्यू 100 जो CMRR की ये डिनोमिनेटर में लिया हमने, इंटू VCM, ठीक है, VCM कॉमन मोड जो मैंने बोला, जैसे इन दोनों का 1050 और 950 का कॉमन क्या आ जाएगा 1000 माइक्रोवोल्ट, और नीचे VD जो इनका डिफरेंशियल निकलेगा पहले वाले से, तो इसका डिफरेंशियल क्या निकलेगा 50 माइनस माइनस 50 मतलब 100, सारी वैल्यूज वहीं से उठाई हैं, तो ये 100 1000 ये इससे ये गया, ठीक है, इस 100 से ये गए और इससे एक ये गया, तो 1/10 जो 10% आ गया, 100/10 10% आ जाएगा सीधे से आंसर। यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली। उसके बाद क्वेश्चन है आपका लीनियर रैम टाइप ADC का क्वेश्चन है, यूजेस अ 10 बिट काउंटिंग रजिस्टर एंड अ 15 किलोहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 10 बिट का काउंटिंग रजिस्टर यूज करता है, 15 किलोहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी, किलोहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज करता है, ओके। अब फ्रीक्वेंसी है तो उसे टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम तो 1/T हो जाएगा, तो 1/T कर देंगे तो 1/15 और किलो हर्ट्स, तो किलो से ये हो जाएगा मिली, तो 1/15 और मिली सेकेंड, अब 1/15 को सॉल्व करना है हमें, ये आपको कितना दे देगा, सॉल्व करेंगे तो 75 मिली सेकेंड दे देगा, ठीक है, इसको इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 × 7 = 105, ये कुछ कुछ इतना ही दे देगा, तो जब ये इतना दे रहा है तो ये 75 मिली सेकेंड, या तो ये, तो सी और बी तो सही नहीं होंगे, ये दो ऑप्शन हो गए सॉल्व करने के। अब हमें वोल्टेज निकालना है, इसके बाद क्या कह रहा था, रजिस्टर आउटपुट इज, आउटपुट पूरा ये 1111111 करके है, व्हेन द इनपुट इज 100 मिली वोल्ट, अगर इनपुट इतना है और आउटपुट ये दे रहा है, द रिक्वायर्ड रैंप रेट ऑफ चेंज एंड द ADC कन्वर्जन टाइम एंड नियरली, ADC कन्वर्जन टाइम तो ये हो जाएगा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ये, ओके। लीनियर रैंप ADC यूजेस 10 बिट काउंटिंग, ठीक है, 10 बिट का यूज कर रहा है एंड 15, ये सब क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो रिक्वायर्ड रैंप रेट ऑफ चेंज एंड द ADC कन्वर्जन टाइम, दो चीज पूछी है, ओके, AC इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे क्या है कि रिजोल्यूशन ऑफ एन ADC का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ये इंपॉर्टेंट भी याद रखना है कि R = Vin / 2 raise to n-1, ये फॉर्मूला हमारा होता है,
ऊपर वी इनपुट वोल्टेज, नीचे टू की पावर एन भी यूज करें तो भी काम चल जाएगा, एन और उससे माइनस वन कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो एन में होता है नंबर ऑफ बिट, अब नंबर ऑफ बिट यहाँ पे 10 दे दी उन्होंने, ये 10 दे दी है, एफ इनपुट ये सब दे दिया है, जो आउटपुट का ये है फिलहाल इसका काम नहीं है। तो रिजोल्यूशन निकालेंगे तो 100 मिली वोल्ट जो वी इनपुट है अपॉन 2 की पावर 10 माइनस 1 तो 1023, तो 100 मिली वोल्ट को एक हिसाब से 23 से डिवाइड करेंगे। और रैंप रेट ऑफ चेंज अगर जो पूछा जाता है उसमें क्या करना पड़ता है, रिजोल्यूशन इनटू टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी सॉरी, ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे अलग, कि रैंप रेट ऑफ चेंज की अगर बात करें तो रिजोल्यूशन इनटू फ्रीक्वेंसी कर दो, ये 1.46 वोल्ट पर सेकंड दे देगा। ओके, तो अब नियर वैल्यू जिसकी क्या होंगी, 2.5 तो होगी नहीं, 1.5 ही होगी, तो या तो ऑप्शन ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा। इसी तरीके से और देखते हैं, रैंप रेट ऑफ चेंज तो निकल आया, कन्वर्जन टाइम ऑफ एडीसी की बात करें तो 1/FCL के तो होगा ही होगा जो हम सॉल्व कर रहे थे, बट यहाँ पे 2 की पावर n-1 भी ऊपर हो जाएगा, तो 1023 को डिवाइड करेंगे FCL के से 15 किलोवाट से, तो कुल मिला के वही बात आ गई यहाँ पे जो कर रहे हैं कि 1023 अपॉन 15 और फिर ये मिली सेकंड तो बनाई देगा, नीचे का किलोहर्ट्ज़ ऊपर का मिली सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर बाई वैल्यू आपको देगा इतनी ही देगा, ठीक है, 15 × 70 = 105 करीब 75 माइक्रो सेकंड के करीब देगा, जो कि यहाँ पे 68.2 मिली सेकंड दे रहा है। ये तरीका है, तो रैंप रेट ऑफ चेंज का मतलब है रेजोल्यूशन इनटू फ्रीक्वेंसी, और कन्वर्जन टाइम का क्या है, ऊपर आप 2 की पावर n-1 भी करो और नीचे क्लॉक फ्रीक्वेंसी से वो कर दो, ओके, तो डिवाइड कर दो, तो आपका ये कन्वर्जन टाइम आ जाएगा डीसी का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट पर सेकेंड और 75 मिली सेकेंड, ये दो ऑप्शन, ये दोनों मतलब जो आपका ग्रुप है ये ठीक हो जाएगा आंसर का। उसके बाद बोला 8-bit डेक प्रोड्यूसेस आउटपुट इतना, डिजिटल इनपुट इतना दिया था, फुल स्केल आउटपुट विल बी नियरली फुल स्केल आउटपुट पूछ रहा है। अब इससे हमें एक चीज़ तो पता चल जाती है कि हमारी बिट्स कितनी है, बिट है 8, ऐसे ही ऊपर बिट कितनी थी, यहाँ पे तो दे दिया था 10 बिट और इसको जो गिन के भी 10 बिट निकलेगा, इससे ये पता चल गया, और यहाँ पे भी दे दिया 8 बिट का है हमारा डिजिटल इनपुट, 8 बिट का है, फुल स्केल आउटपुट विल बी नियरली कितना होगा, तो ये दिया है, तो रिजोल्यूशन निकालेंगे उसी तरीके से। रिजोल्यूशन का फॉर्मूला जैसे हमने लिखा था कि वी इनपुट अपॉन 2 की पावर n-1, तो आर रिजोल्यूशन इसके इक्वल होता है फुल स्केल वोल्टेज अपॉन 2 की पावर n-1, इसके इक्वल भी हो गया, तो 0.05 रिजोल्यूशन ये इन्होंने दिया है, या वी आउटपुट है ये वैल्यू। ओके, तो यहाँ तो आर है, नाउ इन जनरल रिजोल्यूशन इज कॉल्ड VFS अपॉन 2 की, VFS इज द फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज। अब आर जो है वो मतलब हमने यहाँ पे वी आउटपुट को लिया है, आर ये लिखा है, आर 0.05 वोल्ट, वी आउट भी इतना है, और इट कैन बी कंक्लूड द रेजोल्यूशन ऑफ द डेक इज इतना है, इसको इसी को हमने रेजोल्यूशन मान लिया है, क्यों, क्योंकि इनपुट ये 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनपुट में तो ये आपको इतना ही दे देगा। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो रेजोल्यूशन है इसी मतलब जो वी इन आउट है इसी को रेजोल्यूशन माना है। ओके, ये रेजोल्यूशन हो गया, तो ये आपका इस तरीके से निकलती है, रेजोल्यूशन की वैल्यू लगाई, VFS हमें निकालना है 2 की पावर 8, क्योंकि 8 बिट है -1, तो 0.05 × 255 ये सॉल्व करीब करीब आपको 12.8 वोल्ट दे देगा। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक था जब आपको रिजोल्यूशन का फॉर्मूला पता है। तो उसके बाद आता है मास्टर सेफ फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पल्स ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो हमारे किस तरीके के होते हैं, लेवल ट्रिगर्ड हो गया और एज ट्रिगर्ड हो गया, तो इसी के साथ में नया एक तरीके का बोल सकते हैं, वो भी फिर वो स्पेशल है अपने आप में कि मास्टर स्लेव वाला जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो पल्स ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, द रेजोल्यूशन ऑफ अ 6-bit डेक विल बी नियरली, 6-bit डेक का रेजोल्यूशन पूछ रहा है, तो परसेंटेज रेजोल्यूशन इज 1/2 की पावर n-1 × 100। तो वही बात है, ऊपर जो वी इनपुट होता था अगर वो कुछ नहीं तो उसको 1 वोल्ट मान लिया एक्सटेंडेड वैल्यू, इसलिए 1/2 कर दिया, बाकी तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं 1/2 की पावर n-1। अब 6 बिट उन्होंने बोल दिया, उसी 6 को यूज कर लेंगे तो 1/63 और इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आपका सबसे करीब किसके, इसके सबसे करीब 1.6 के। ओके, तो ये डायरेक्ट दे देगा, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था। फिर ये आपका क्वेश्चन है इसका कि इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब ऊपर का कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं आप, प्लस को तो इसको एज इट इज कर दो, ऊपर का कॉम्प्लीमेंट इसमें तोड़ दो, बीच का ये मल्टीप्लाई कर दो, अभी और कुछ नहीं किया, फिर इसके ऊपर भी डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया और बीच का प्लस मल्टीप्लाई कर दिया और इसके ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये चीज़ हो गई। अभी डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ठीक है, ए भी दे देगा सीधे से, क्योंकि ये डबल कॉम्प्लीमेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि बीच का ये जो डॉट है प्लस बन जाएगा, डॉट
ये आपका ए हो जाएगा डॉट, ये ए भी बाहर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चेक करना है, इसमें ए है और ए है और ए बार है, इसमें बी है और बी बार है। अब ये दोनों क्या बना देंगे अपने आप को जीरो, ये भी जीरो बना देंगे, तो आंसर जीरो ही आ जाएगा सीधे से, है ना। सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है के मैप इज यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ, क्या मिनिमाइज करता है के मैप एक्चुअली में, फंक्शन ऑफ थ्री फोर और फाइव और सिक्स वेरिएबल, ठीक है, सिक्स वेरिएबल तक हम के मैप बना सकते हैं। तो इनके जो फंक्शंस मतलब होते हैं उनको कम कर देता है, इतने इतने वेरिएबल के फंक्शन को और कम कर देता है के मैप, रिड्यूस कर देता है। ओके, एक मेथड होता है क्वीन मैकक्लस्की एल्गोरिथम से भी हम ऐसा करते हैं, वो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा जाता है। फिर आता है फाइनाइट स्टेट मशीन FSM। ओके, टॉपिक है ये कि FSM क्या है, इस सेम एज दैट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट, ये सेम है किसकी तरह, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो होता है सीक्वेंशियल सर्किट का उसी की तरह होता है FSM, सेम होता है। उसके बाद आगे देखते हैं लॉजिक सर्किट डेट एक्सेप्ट सेवरल डेटा इनपुट्स, ठीक है, दिमाग में एकदम यहाँ आना चाहिए। जैसे मैंने बताया भी है कि M से मैनी और M से मल्टीप्लेक्सर, तो इनपुट में उसके मैनी इनपुट होंगे और आउटपुट तो फिर वन हो जाएगा, और डी मल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा हो जाएगा, इसी तरीके से है। तो मैनी इनपुट आते दिमाग में आया मल्टीप्लेक्सर, ओके, एन अलाउज वन ऑफ देम एट अ टाइम टू गेट थ्रू टू द आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर ऐसा करता है, ठीक है। मेमोरी टेक्नोलॉजी विच नीड्स द लीस्ट पावर, आपका मॉस के अंदर भी सी मॉस तो सबसे कम पावर लेती है, आपका लीस्ट पावर डिसिपेशन सी मॉस हो गया। ओके, ऐसा क्यों है, ये एक एनमॉस और पी मॉस से मिलकर बना होता है, ये आपका पी मॉस है, ये एनमॉस है, इसमें आप ये बबल लगा सकते हैं मेरे हिसाब से पी मॉस साइड में, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एनमॉस है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एट एनी स्टैंड ओनली वन ऑफ द टू ट्रांजिस्टर आर ऑन, किसी भी स्टैंड पे या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑन होगा, इधर दिस और दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नेग्लिजिबल करंट कंडक्शन टेक प्लेस, का रिजल्ट क्या है कि करंट कंडक्शन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा सीमोस के अंदर, एंड हेंस पावर डिसिपेशन इज लेस, इसकी पावर डिसिपेशन कम होगी। उसके बाद आता है मैपिंग फंक्शन दैट असाइंस अ नंबर टू ईच आउटकम इज कॉल्ड, मैपिंग फंक्शन जो हर उसको आउटकम को एक नंबर असाइन करता है, तो ऐसा कौन होता है, रैंडम वेरिएबल में ऐसा होता है, ओके, जैसे एक्स रैंडम वेरिएबल है, वाई है, उसका जो हर एक आउटकम होगा उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा उसी हिसाब से। फिर ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, Vn इज इक्वल टू रूट के टी बी आर, तो ये आपका इनपुट डिवाइस 200 इक्विवेलेंट नॉइस रेजिस्टेंस दिया है, जो आर है नॉइस रेजिस्टेंस ही आपका 300 इनपुट रेजिस्टेंस दिया 300 ओम एंड द बैंडविड्थ, ठीक है, इतनी दी है, जो बी है ये बैंडविड्थ हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ये सारी वैल्यूज हो गई यहाँ पे। और क्या बोल रहा है, ये तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये भी दे दिया 290 केल्विन, द नॉइज वोल्टेज Vn इज अ नॉइज वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ अ टेलीविजन आर एफ एम्पलीफायर विल बी, तो ये के की वैल्यू हो गई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻³ जूल्स पर केल्विन, 1.38 × 10⁻², ये सारी वैल्यूज आ गई। रेजिस्टेंस का क्या करना है, दोनों नॉइज रेजिस्टेंस इसको ऐड कर देना है, तो 300, 200, 500 आ गया। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट आंसर ये 500, ये 6 मेगाहर्ट्ज़, ये 290 केल्विन, ये के, इनका सबका मल्टीप्लाई करके उसका रूट करके आपको आंसर ये देगा 7 माइक्रोवोल्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 माइक्रोवोल्ट इसके अंदर। उसके बाद आता है कि व्हेन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर अलोन इज ट्रांसमिटेड, एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर को अकेले ट्रांसमिट करते हैं तो एंटीना करंट इज 9 एम्पीयर, एंटीना करंट जो है वो 9 एम्पीयर है। और फिर कह रहा है कि व्हेन द साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन इज प्रेजेंट द एंटीना करंट इज 11 एम्पीयर, जब साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन हमारा प्रेजेंट होगा तो इतनी हो गई। ओके, तो विदाउट अनमॉड्यूलेटेड कैरियर अलोन इज ट्रांसमिटेड, व्हेन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, कैरियर को अलोन ट्रांसमिट करते हैं कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आईसी है, ये आईटी है, एम हमसे पूछ रहा है, तो जो फॉर्मूला हमारा उधर होता था वही फॉर्मूला यहाँ पे होगा, तो आईटी इज इक्वल टू आपका आईसी, और यहाँ पे ये 1 + m² 2 का जो होगा या रूट है 1/2, ये चीज है यहाँ पे 1 + μ² / 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11/9 आ गया। ओके, फिर इसका स्क्वायर हो गया, फिर -1 हो गया, फिर ये μ² / 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई सब सॉल्व होगा कि करीब करीब आपको 0.99 वाली वैल्यू दे देगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आई टी इक्वल टू आई सी रूट 1 + μ² / 2, ये निकला कहाँ से, पी टी इक्वल टू आपका होता है पी सी 1 + m² / 2। अब ये क्या है, पी टी पी सी है, अब पी टी पी सी में आप क्या लिख सकते हैं इसको, I² T × R, फिर ये I² C × R, R से R चला जाएगा,
अब ये जो चीज है फिर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर इक्वल मिला के इसमें अपने आप रूट आ जाएगा, क्योंकि रूट इंपॉर्टेंट है। जब ITIC का फॉर्मूला आप इस तरीके से लिखते हैं, रूट लिखना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सॉल्यूशन है, फिर सॉल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद आता है बैंडविड्थ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद अ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन एज अ फ्रिक्वेंसी डेविएशन। ये फ्रिक्वेंसी डेविएशन दे दिया डेल एफ, बैंडविड्थ दे दी आपको, ठीक है, ये बैंडविड्थ, ये आपका कार्सन रूल है, कार्सन बैंडविड्थ रूल है ये आपका। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल बी, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 डेल एफ प्लस FM, तो 50K इज 2 इंटू डेल एफ और FM हमसे पूछा है, तो FM सॉल्व करके 10 किलोहर्ट्ज़ हम यहाँ से निकाल लेंगे इस रूल से। उसके बाद फिर आता है परसेंटेज पावर सेविंग का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ओके, परसेंटेज पावर सेविंग जब आपको निकालनी है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4 प्लस म्यू स्क्वायर या फिर 4 प्लस एम स्क्वायर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एम लिखो म्यू लिखो, फिर 4 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा 2m स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें म्यू की वैल्यू उन्होंने दे दी 50% मीन 0.5, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है, 4 प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 0.25 और 4 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 इनटू 2, तो ये भी 0.5 बन जाएगा अगेन, कि 4.25 4.5, इसको 50 सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व होकर आपको 94.4% दे देगा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि आउटपुट ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट की बात कर रहे हैं, क्या क्या मिलेगा आपको। ओके, तो आपको मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी मिलेगी, LSB मिलेगा, USB मिलेगा, मतलब आपका FC जो मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी है, USB LSB FC प्लस FM और माइनस FM प्लस माइनस FM, यही आपको जो बेसिक चीज़ें होती है, तो ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा ही अलग तरीके का है, नेक्स्ट चलते हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस वेरीज बिटवीन, ठीक है, टेम्परेचर की बात कर रहा है कि एक प्लेस का टेम्परेचर इसके बीच में वेरी करता है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग द टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ द प्लेस यूजिंग PCM, द रिकॉर्ड इज सैम्पल एट एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग रेट एंड द सैम्पल्स आर क्वांटाइज्ड। ओके, इफ द एरर इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैम्पल ड्यू टू क्वांटाइजेशन इज नॉट टू एक्सीड, जो उसका सैम्पल हमने सैम्पलाइजेशन क्वांटाइजेशन किया सैम्पल्स का, तो उसमें एरर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब डिजायरेबल है कि 1% हो सकता है बस। इफ द डायनेमिक रेंज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि नॉट एक्सीड 1% ऑफ द डायनेमिक रेंज, तो पूछ रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स दैट कैन बी यूज्ड विल बी कितनी होनी चाहिए, तो ये है QC मैक्स की जो है लेस देन इक्वल टू 1% ऑफ वी पीक टू पीक, पहले वी पीक टू पीक पे काम करना पड़ेगा, डायनेमिक रेंज क्या है वी पीक टू पीक, तो ये आपका हो गया Δ/2 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम से कम इतना, मतलब लेस देन इक्वल टू 1%, तो 1% मतलब 1/100 ऑफ वी पीक टू पीक, तो ये क्या हुआ, ये 1/100 और वी पीक टू पीक, ये जो डेल है ये भी आपका क्या हो जाएगा वी पीक टू पीक अपॉन एल, ये डेल्टा की वैल्यू है, ये क्वांटाइजेशन जो स्टेप साइज की अगर बात करें, डेल्टा इज अ स्टेप साइज, ये आपका वी पीक टू पीक अपॉन एल हो गया, एल लेंथ हो गया, तो दो और 1/2 तो अलग से है ही पहले से, तो वी पीक टू पीक दोनों से कट गया, तो ये 1/L आ गया लेस देन इक्वल टू 1/50 और एल मिनिमम आ गया इक्वल टू 50। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आप ये रिपीट होकर क्वेश्चन आता है तो आप कर भी सकते हैं, आप इसमें ये जो वैल्यू थी 1434 डिग्री इसका कोई काम नहीं था यहाँ पे। ओके, तो ये जो 1% है केवल इसी से काम है, ये जो 1% है तो इससे आंसर 50 आ गया, मतलब अगर ये 1% है तो उसका आधा कर दो 0.5 और उसमें 100 को गुणा कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 5% होता इसका आधा कर दो 2.5 और 100 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 5% पे ये 250 वैल्यू हो जाती है नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स, तो इस तरीके से ही तो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट देखा जाए तो 1% का आधा 0.5, उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 50, वो आपका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि अ टेलीफोन सिग्नल बैंड लिमिटेड टू 4 kHz तक बैंड लिमिटेड है इज टू बी ट्रांसमिटेड बाई PCM द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज इज टू बी लीस्ट ऑफ, ठीक है, कम से कम, ठीक है, इज टू बी लीस्ट ऑफ मतलब कम से कम 40 dB होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकती है, इतनी नॉइज द नंबर ऑफ लेवल्स इन टू इज द सिग्नल इज टू बी इंकोडेड, नंबर ऑफ लेवल यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है SQNR इनटू dB इज ऑफ dB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 dB, यहाँ पे बात कर रहा है, तो SQNR जो है हमारा है ये 1.8 प्लस ये 6N फार्मूला होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे तो कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। SQNR जो है इज इक्वल टू 1.8 और प्लस 6N,
ये आ गया। अब इसी को हमने सॉल्व किया यहाँ बकायदा 1.8 + 6n, तो n सॉल्व करके जब लाएंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारा 6.67 या उससे ज़्यादा, 6.36 या उससे ज़्यादा या बराबर। तो उसके ज़्यादा बराबर एक इंटीजर वैल्यू तो 7 ही हो सकती है, तो n मिनिमम 7 हो गई और 7 के हिसाब से 2 की पावर 7 हमको क्या दे देगा 128। तो ऐसे नंबर ऑफ लेवल्स निकल आएगा जिसमें सिग्नल को इनकोड करेंगे 128 लेवल्स। फिर बात कर रहे हैं ओवर अवॉइड करने के लिए स्लोप ओवरलोड एरर, ठीक है, ये अलग अलग तरीके के एरर होते हैं, पूरा पीसीएम चल रहा है। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, इन डेल्टा मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे इन डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन नॉट पर स्कूल मॉड्यूलेशन, ओके। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि जो टू अवॉइड स्लोप ओवरलोड एरर को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल कितना होना चाहिए, तो वो हमें बताना है। ये हमारा टू अवॉइड ओवर या टू अवॉइड या ओवरकम स्लोप ओवरलोड एरर, जो ये केवल ये एरर का नाम है, डेल्टा अपॉन टीएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2πfm into am, ठीक है, fm am 2π। तो am की जब बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा अपॉन ये, और ये आपका 1/TS क्या बन जाएगा, आपका 1/TSFS ऊपर जाके, तो ये डेल्टा fs अपॉन 2πfm, तो इससे आपका छोटा होना चाहिए मैग्नीट्यूड am की वैल्यू, ठीक है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे केवल ए के टर्म्स में बात करी गई है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया डेल्टा एफ एस अपॉन 2πfm, ओके। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा इंटू एफ एस, वो एफ एस कहाँ से निकला है, 1/TS से, और 2πfm ये चीज है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि बैंडविड्थ होता है इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न, मतलब बैंडविड्थ हमारे सबसे मेन कंसर्न की बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज जनरली नॉट कंसिडर्ड, तो हम किसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग को कंसिडर नहीं करेंगे। आप फेज शिफ्ट किंग को कर लो, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, डीपीएसके को कर लो, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग को इसमें बैंड में सबसे ज्यादा यूज होती है, मतलब। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टू ईच वन ऑफ द सैम्पल वैल्यूज ऑफ द मैसेज सिग्नल अ डिस्क्रीट वैल्यू, तो हर एक सैम्पल वैल्यूज मैसेज सिग्नल की सैम्पल वैल्यूज को एक डिस्क्रीट वैल्यू असाइन अगर करनी है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ इनफाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ सच डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड, ठीक है, हर एक सैम्पल वैल्यू को जो मैसेज सिग्नल है उसकी एक वैल्यू असाइन करना है, एक डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है, कहाँ से, बहुत सारी फाइनाइट नंबर ऑफ सच डिस्क्रीट वैल्यू में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन बोलेंगे, ये क्वांटाइजेशन की फुल फॉर्म थी। फिर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइबर सफर फ्रॉम अ मोडल डिस्पर्सन, तो कौन सा टाइप का फाइबर जो मोडल डिस्पर्सन से सफर करता है, ओके, तो हमारा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो होता है वो मोडल डिस्पर्सन से सफर करता है, मोडल डिस्पर्सन। उसके बाद आते हैं एन इंडक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय इनपुट आउटपुट रिलेशन एज, नेक्स्ट देखते हैं 85, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एन इंडक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इनपुट आउटपुट रिलेशन, ये आपका है इनपुट आउटपुट का रिलेशन एक इंडक्टर का, ओके। तो नेक्स्ट कह रहा है कि द ऑपरेटिंग ऑपरेशन रिप्रेजेंटिंग द इनवर्स सिस्टम, तो ऑपरेशन हमें बताना है जो कि इसके इनवर्स सिस्टम को आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूँ, ठीक है, इसका इनवर्स, ये आपका है 1/L और ये इंटीग्रेशन है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, L और dA/dt/yt, तो इनवर्स जब होगा YS वो YT के फॉर्म में हमें बताना है, ऑपरेटिंग ऑपरेशन रिप्रेजेंटिंग द इनवर्स सिस्टम XT, YS बोलो या इसका इनवर्स सिस्टम होगा, मतलब वो इसका इनवर्स है, ओके, इस Y इनवर्स T जिस तरीके से कह सकते हैं, तो YT के फॉर्म में वो कैसा होगा, dA/dt और YT, मतलब बिल्कुल सिंपल है, इनवर्स है, तो दोनों चीजों को पकड़ के इन्वर्स कर दो, एक तो 1/L का आप क्या कर दोगे L, और इंटीग्रेशन का क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन, बस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखते हैं स्टेप रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड, स्टेप रिस्पांस हमें डिफाइन करना है, ओके, वो हमको पता है कि इम्पल्स का एक तो इंटीग्रेशन होता है या फिर बोल सकते हैं तो समेशन होता है, दोनों चीज हो सकती है। तो आउटपुट ड्यू टू द यूनिट स्टेप्स इनपुट सिग्नल, तो एक तो ये भी ठीक है कि आपका जो स्टेप रिस्पांस क्या है, आपका स्टेप रिस्पांस ये है, तो आउटपुट क्यों है, यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल की वजह से जो रिस्पांस है वो स्टेप रिस्पांस है, ठीक है, स्टेप सिग्नल की वजह से जो रिस्पांस है उस पर स्टेप रिस्पांस है। सेकंड क्या है, द रनिंग सम ऑफ इम्पल्स रिस्पांस, तो रनिंग सम, ठीक है, इंटीग्रेशन या समेशन आपका रनिंग सम ही होता है, मतलब ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो सब जोड़ते चले जाओ, ये भी ठीक है। द रनिंग इंटीग्रल, ठीक है, ये तो सम हो गया, ये इंटीग्रल हो गया, द रनिंग इंटीग्रल ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, तीनों यहाँ पे सही हो गए आपके 1, 2, 3। उसके बाद आता है द सिग्नल फ्लोग्राफ ऑफ अ सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इट्स, सिग्नल फ्लोग्राफ को हम कहाँ से बना सकते हैं,
उसके अंदर की जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है थ्रू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ओके, कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म क्या होता है आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट फॉर्म जो हो गया। ओके, ये तो कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म रिलेशन जो होते हैं उससे जो एल्जेब्रिक इक्वेशन निकलती है उनके थ्रू आप सिग्नल फ्लो ग्राफ को बना सकते हो, या उल्टा बोलो सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप ये बना सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद आता है इफ ऑल द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव नेगेटिव रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट है बट नेगेटिव है। ओके, द सिस्टम, इस सिस्टम कैसा होगा, बट एक तो नेगेटिव है और रियल भी है। रियल का मतलब है कि भाई ये जो एक्सेस है इसी पे वैल्यूज होंगी, जो पोल और जीरोज और नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए ऑब्वियसली बात है क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, ठीक है, ये क्या है, ऑल क्लोज लूप पोल सीएलपी मस्ट बी इन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्सप्लेन स्टेबल होने के लिए, ठीक है वही वाली बात है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैंप इनपुट्स आर रेस्पेक्टिवली। इस सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहा है, यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे ऑर्डर और टाइप देखा जाए तो टाइप तो आपका क्या होगा, टाइप तो आपका यहाँ पे ये दिख रहा है कि जीरो है, ठीक है टाइप जीरो, और एस यहां से निकलेगा, एस ये है और ऐसे ऑर्डर थ्री हो गया इसका। ओके, तो फॉर अ टाइप वन, सॉरी टाइप जीरो क्यों बोल रहा हूं मैं, एस इक्वल टू जीरो एक मौजूद है, एस इक्वल टू जीरो एक मौजूद है, तो टाइप वन हो गया ये, इसको मिटा के बनाते हैं। ओके, ये यहाँ पे जो एस इक्वल टू जीरो के इक्वल, मान लो यहाँ पे एस स्क्वायर है, बाकी चीजों के संग उनके पोल मौजूद है 0.5, ठीक है एस प्लस 0.2 ऐसा, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, एस इक्वल टू जीरो वाले दो टर्म मौजूद है, एस इक्वल टू जीरो कॉमा एस इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, एस इक्वल टू माइनस 0.5 और एस इक्वल टू माइनस 0.2, ये अलग अलग हो गए, ये पोल हो गए। अब ये जितने भी एस इक्वल टू जीरो वाले आपके मौजूद होते हैं यही क्या होता है आपके टाइप को डिफाइन करता है, तो ये टाइप टू हो गया सिस्टम ये वाला, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये जो 1/s² है तो ये टाइप वन सिस्टम है। तो टाइप वन सिस्टम के लिए पहले बात करते हैं स्टेडी स्टेट एरर और स्टेप इनपुट के लिए, तो टाइप वन सिस्टम के लिए जीरो होता है। ओके, रैंप इनपुट के लिए होता है, ये रैंप इनपुट है। अब यहाँ पे जो एरर वाला केस है ना, स्टेप रैंप पैराबोला, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का आपका इनपुट है, टाइप वन है किस तरीके का है। ओके, सिस्टम किस तरीके का है, तो रैंप के लिए क्या होगा, 1/kb, ठीक है, वेलोसिटी वाला पार्ट रैंप से एसोसिएटेड है, एक्सलेशन वाला पार्ट किससे एसोसिएटेड है, आपके पैराबोला से एसोसिएटेड है एक्सलेशन वाला पार्ट। ओके, तो वो टाइप टू सिस्टम आ जाता है आपका, टाइप टू यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो टाइप वन सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट तो जीरो हो गया, रैंप इनपुट की बात करें तो 1/kv, तो 1/1, इसमें kv की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही आ गया। ओके, 0 and 1 ऑप्शन बी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है हमारी, क्या कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इज सेट टू बी अ टाइम इनवेरिएंट इफ द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम। तो जब वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बात है टाइम का इनवेरिएंट हो गया टाइम के साथ। फिर सेकंड और थर्ड भी, तो सेकंड कह रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आर फिक्स ओवर अ टाइम, ऑब्वियसली बात है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फिक्स है, तभी तो वो टाइम इनवेरिएंट है और वेरिएंट नहीं है। फिर बात करते हैं इफ द इनपुट ऑफ द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज डिलेड बाय t0 सेकंड, करेक्टरिस्टिक ऑफ द आउटपुट डिस्टेंस इज ऑल्सो डिलेड बाई, ठीक है ऑब्वियसली बात है जब ये फिक्स है टाइम, आप मतलब अपने आप उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है आप t-t0 कर रहे हो, तो आउटपुट में भी वो उतना ही आपको चेंज मिलेगा, तो तीनों ऑप्शन ठीक हो गए यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव रियल पार्ट और इफ देयर इज अ रिपीटेड रूट ऑन द जी ओमेगा एक्सिस। देखो पॉजिटिव रियल पार्ट तो उसने बोल दिया तो ऑब्वियसली बात है इस साइड में होगा, ठीक है राइट साइड में होगा, पॉजिटिव रियल पार्ट है तो, और राइट साइड का मतलब सीधे अनस्टेबल हो जाता है, अब आपको और कुछ देखना ही नहीं है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि रिपीटेड रूट ऑन जियोमेगा एक्सेस, तो ये क्या बनाएगा, ये जो रिपीटेड रूट है जियोमेगा एक्सेस पे ये उसे क्या बनाएगा, ये उसे अनस्टेबल बनाएगा, मार्जिनली स्टेबल बनाएगा या लिमिटेडली स्टेबल बना देगा, पर क्योंकि वो ऑलरेडी अनस्टेबल हो चुका है तो वो यही करेक्ट होगा, ठीक है अब उसको वो नहीं बोलेंगे मार्जिनली स्टेबल। फिर आता है एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ रियल ओपन पोल एंड एंगल ऑफ अराइवल एट अ रियल ओपन पोल जीरो, सॉरी ये रियल ओपन लूप जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है तो ये एंगल ऑफ डिपार्चर की बात कर रहा है, पहली दो बात ये समझेंगे, कहाँ से फ्रॉम अ रियल ओपन लूप पोल, एक तो पोल से बात कर रहा है वो भी रियल ओपन है, और एंगल ऑफ अराइवल की बात कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, रियल ओपन और लूप ये जीरो है, तो ये पोल
एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए और जीरो के लिए एंगल ऑफ अराइवल कितना होगा, वो भी किस तरीके के हैं, रियल है, ओपन लूप है। ओके तो यहाँ पे हमारा ये तो जीरो हो जाएगा एंगल ऑफ डिपार्चर, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके एंगल ऑफ डिपार्चर की अगर बात करेंगे तो ये आपका तो जीरो दे देगा, और एंगल ऑफ अराइवल की अगर बात करेंगे तो ये 180 डिग्री दे देगा। ये किसके लिए, ये पोल के लिए है, ये जीरो के लिए है, ये याद रखेंगे ठीक है। ये पोल के लिए है डिपार्चर और ये अराइवल आपका जीरो के लिए, जीरो डिग्री और 180 डिग्री। उसके बाद आगे चलते हैं कि द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम आर टू कंट्रोल, ठीक है, फीडबैक सिस्टम को स्टडी करने में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके क्या होते हैं। तो पहला आपका सेंसिटिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एन इंटरनल डिस्टर्बेंस भी इम्पॉर्टेंट है, एंड नंबर थ्री पे देखें तो डिस्टॉर्शन इन अ नॉन लीनियर सिस्टम। तो तीनों ही ये हमारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसके, फीडबैक सिस्टम के। ओके द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम आर टू कंट्रोल, मतलब इनको कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके सेंसिटिविटी को, डिस्टॉर्शन को, इफेक्ट ऑफ लीनियर डिस्टर्बेंस को। उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अंडर शूट हमारा कब होगा, तो उसका फॉर्मूले की बात हो रहा है। टाइप वन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम द फर्स्ट अंडर शूट अकर्स एट अ टाइम टी विद स्टैंडर्ड नोटेशंस इज, तो आपका टीपी जो है फर्स्ट अंडर शूट इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू आपका 2π अपॉन ओमेगा डी। ओके और फर्स्ट अंडर शूट एन जो होगा ये हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड है एन पाई अपॉन ओमेगा डी, तो ये एन हमारा इसके लिए 2 हो जाएगा। ओके पहला अंडर शूट के लिए एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये 2 वाला फॉर्मूला ठीक होगा आपका। उसके बाद आता है कंपेंसेटर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, तो इंप्रूव करने के लिए क्या, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, तो हमें कैसा चाहिए, लैग कंपेंसेटर चाहिए। ओके इज एनालॉगस टू पीआई कंट्रोलर, ये लैग टाइप का कंपेंसेटर और पीआई टाइप का कंट्रोलर दोनों एनालॉगस हैं। ओके लैग कंपेंसेटर और पीआई कंट्रोलर इंप्रूव्स स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। फिर आता है वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंट्रोलर इज समटाइम्स कॉल्ड द ऑटोमेटिक रीसेट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ऑटोमेटिक रीसेट हम समटाइम किसको कहते हैं, इंटीग्रल टाइप का कंट्रोलर जो होता है उसको ऑटोमेटिक रीसेट भी हम बोलते हैं। ओके तो ये हो गया इज कॉल्ड द रीसेट कंट्रोलर या फिर ऑटोमेटिक रीसेट, इंटीग्रल कंट्रोलर इज ऑल्सो कॉल्ड द रीसेट कंट्रोलर और ऑटोमेटिक रीसेट। उसके बाद आता है ट्रांसफर टाइम टी ऑफ द डिस्क इज, डिस्क का जो डिस्क होती है उसका ट्रांसफर टाइम टी क्या होता है आपका, टी इज इक्वल टू बी अपॉन आर एन। ओके बी अपॉन आर एन, बी क्या है नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर, कितनी ट्रांसफर करनी है, नंबर ऑफ बाइट्स ऑन अ ट्रैक और कितनी है, और आर रोटेशन ऑफ द स्पीड इन आरपीएस, तो बी अपॉन कितनी ट्रांसफर करनी है कितनी है, और ये हमारा ये आर रोटेशन ऑफ द स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके पर मिनट नहीं पर सेकेंड, तो ये आप बी अपॉन आर इन टू एन, ये आपका टी हो जाएगा ठीक है, ट्रांसफर टाइम टी इज अ ट्रांसफर टाइम ऑफ द डिस्क। उसके बाद आता है क्या, कोर ऑफ प्रोसेसर चिप कंजिस्ट ऑफ प्रोसेसर चिप जो होती है उसका एक कोर क्या कंजिस्ट करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 5 ALU तो होना ही चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो होनी चाहिए प्रोसेसर के अंदर ठीक है, इंस्ट्रक्शन लॉजिक होना चाहिए, लोड स्टोर लॉजिक होना चाहिए, L3 कैश की जरूरत नहीं हो, L1 डेटा कैश होना चाहिए ठीक है, L1 टाइप का होना चाहिए बट L3 की यहाँ पे जरूरत नहीं है, L3 कैश की। ओके तो ये कोर ऑफ प्रोसेसर चिप के अंदर होते हैं। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज इंटरनल इंटरप्ट टू CPU, तो क्या चीज़ होती है जो इंटरनल इंटरप्ट कॉज करती है एक CPU के अंदर, तो आपका 1 and 2 ओनली, स्टैक ओवरफ्लो एंड अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, इनपुट आउटपुट डिवाइस पनिश ट्रांसफर ऑफ डेटा, पावर फेलियर ये नहीं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंटरनल इंटरप्ट, ठीक है इंटरप्ट की बात हो रही है वो भी किस तरीके का इंटरनल, तो आपका स्टैक ओवरफ्लो और अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0 ये याद रखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट एंड पावर फेलियर आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल ठीक है इंटरप्ट, ये दोनों ही जो पॉइंट है ये किसके एक्सटर्नल इंटरप्ट से ये जुड़े हुए हैं। ओके इनपुट आउटपुट फिनिश ट्रांसफर ऑफ डेटा पावर फेलियर आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल इंटरप्ट लाइक DMA और TRAP, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है दोनों DMA और TRAP। उसके बाद आगे चलते हैं 100 पे आ जाते हैं कि इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड इज एन, एंड क्या है, ओके इज एन आपका स्यूडो इंस्ट्रक्शन है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर अगर आप एंड की बात करें ठीक है, एंड इन एन असेंबलर डायरेक्टिव स्यूडो इंस्ट्रक्शन है ठीक है, इज एन असेंबलर डायरेक्टिव बोल सकते हैं या फिर स्यूडो बोल सकते हैं, इसका ये भी नाम हो गया असेंबलर डायरेक्टिव और स्यूडो इंस्ट्रक्शन ठीक है, एंड की अगर बात करें।
बूथ अल्गोरिथम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेम के ऊपर है ठीक है। बूथ अल्गोरिथम इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे एसोसिएट करता है, बाइनरी इंटीजर मल्टीप्लीकेशन से। तो बाइनरी इंटीजर मल्टीप्लीकेशन करना है तो बूथ एल्गोरिथम की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ओके, बाइनरी इंटीजर मल्टीप्लीकेशन के अंदर उसके बाद द मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद सीपीयू, कौन सी मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, तो उसका नाम है मेन मेमोरी ठीक है, डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू। उसके बाद आता है वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड बाई, तो वर्चुअल मेमोरी को हम नॉर्मली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, डिमांड पेजिंग से। ओके, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड बाई डिमांड पेजिंग ठीक है, डिमांड और पेजिंग। उसके बाद 104 पे आते हैं, इसमें पूरा डिटेल में दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर मेमोरी परफॉर्मेंस पैरामीटर ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके परफॉर्मेंस पर पैरामीटर कौन कौन से हैं आपके ठीक है, तीनों ही है, एक्सेस टाइम या लेटेंसी, मेमोरी साइकिल टाइम और ट्रांसफर रेट। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसका एक्सेस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंसी क्या है, लेटेंसी जितनी कम होगी मतलब उतना एक्सेस टाइम कम है, उतना फास्ट है वो चीज़। ओके, ट्रांसफर रेट क्या है, जब हम डेटा को एक से दूसरे ड्राइव में भेजते हैं, फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो वहाँ पे ट्रांसफर रेट जो चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेमोरी साइकिल टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों डिटेल में दिए, पॉज करके देख सकते हैं इसको, मैं एक मिनट यहाँ पे छोड़ूंगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के, वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे आपको 1 and 4 ओनली, तो अ फैसिलिटी ऑफ फॉर डायनेमिक स्टोरेज रीलोकेशन, तो कंपोनेंट में क्या जाएगा, फैसिलिटी फॉर डायनेमिक स्टोरेज रीलोकेशन पहला, और प्रोविजन फॉर यूजर्स फॉर चेंजिंग ठीक है, फॉर चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को बदलना के लिए जो प्रोविजन और फैसिलिटी है डायनेमिक स्टोरेज रीलोकेशन के लिए, दोनों ही कंपोनेंट है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के। बाकी क्या नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर काम नहीं है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, मतलब ये तो वायरस का काम है ना, या फायरवॉल या सॉफ्टवेयर का। और दूसरा क्या है कि प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिंग यूजर्स ठीक है, जो प्रिवेंटिंग यूजर वाला है और प्रोटेक्शन वाला, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स परमानेंटली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस, तो कौन सी चीज परमानेंटली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन करती है डेटाबेस के अंदर, तो कॉमिट है ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमिट। अब इसमें क्या क्या है, व्यू नहीं, रोल बैक नहीं, फ्लैश बैक नहीं, तो कॉमिट परमानेंटली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन करती है डेटाबेस के अंदर, जो परमानेंटली रिकॉर्डेड हो जाता है। ओके, तो कॉमिट। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का एडवांटेज क्या है वो हमें बताना है, तो इसमें हो गया ए। तो बात हो रही है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग की, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का एडवांटेज क्या है आपका, एडवांटेज है कि लॉक इज ऑप्टेन ओनली आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस, जब ट्रांजेक्शन आपका प्रोसेस हो जाएगा उसी के बाद लॉक आपका होगा, अगर लॉक के लॉक आपको मिलेगा तो ये आपका ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग है, मतलब गुड एक तरीके से पॉजिटिव लॉकिंग है। ये बिफोर वाला तो आपका गलत हो गया, और लॉक नेवर नीड्स टू बी ऑप्टेन ये भी गलत हो गया, कि ऐसा लॉक कभी मिले ही नहीं, लॉक मिलेगा तो वो एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, और जैसे लास्ट ऑप्शन विद द लॉक ट्रांजेक्शन आर बेस्ट सूटेड विद अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, तो ऐसा भी नहीं है, लॉक तो होने ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एबिलिटी टू क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, इंसर्ट डिलीट एंड मॉडिफाई द टूपल्स, टूपल्स को क्या है कि क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस और इंसर्ट डिलीट एंड मॉडिफाई द टूपल्स इज, तो इसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उसको एक नाम दिया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, इसका हमारा नाम आ जाता है क्या है, डेटा मैनिपुलेशन और लैंग्वेज, DML ठीक है, DML। तो जो टूपल्स को आप इंसर्ट डिलीट मॉडिफाई कर रहे हैं, एक तो ये चीज़, और क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं ठीक है, मैनिपुलेशन शब्द यहाँ पे जरूरी है, कैसे, क्योंकि इंसर्ट डिलीट मॉडिफाई करना एक तरीके का मैनिपुलेशन है, रिलेशनल स्कीमा नहीं, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं ठीक है, तो DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट पैरेलल बस बार्स और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन स्पेस बिटवीन ठीक है, ये दोनों के बीच का स्पेस है, ये दो इस तरीके के आपको बार दिख रहे होंगे सर्कुलर ठीक है, बिटवीन सेंटर्स ईच कैरी अ करंट ऑफ, इनमें दोनों में करंट आपका ये है 70 किलो एम्पेयर की करंट है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू विदस्टैंड विल बी नियरली, तो फोर्स इनको विदस्टैंड करने के लिए ठीक है, फोर्स बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर विदस्टैंड करने के लिए कितना हमें चाहिए रहेगा, ये आपका EMT का क्वेश्चन आ गया,
तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला जो बिटवीन टू पैरेलल वायर कंडक्टर का आपका F इज्कल टू ये आपका हो गया म्यू नॉट आई वन आई टू अपन टू पाई डी। ठीक है, म्यू नॉट होगा आई वन आई टू होगा और नीचे तो आपका टू पाई होगा, तो म्यू नॉट अपन टू पाई तो एक अलग चीज हो गई और यहाँ पे डी आ गया, ये हो गया इतना न्यूटन हो गया आपका फोर्स। ओके, तो ये आपका हो गया और यहाँ पे एच भी है तो एफ अपॉन एच ये क्या है आपका, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू बी द स्ट्रेंथ विल बी इसका यूनिट क्योंकि आपको न्यूटन पर मीटर में दिया है तो ये एच ही इधर आके ये पर मीटर बन जाएगा, तो एफ बाई एच हमें निकालना है एक्चुअली। ठीक है, न्यूटन पर मीटर निकालना है, पर मीटर में कितना आपका होगा। ओके, तो ये फोर म्यू नॉट अपॉन टू पाई क्या बन जाएगा, म्यू नॉट क्या बन जाएगा फोर पाई इंटू टेन पर माइनस सेवन, ये टू बन जाएगा एक्चुअल में। तो ये बाकी सारी चीजें सॉल्व करके आपको इतना आ गया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी 4260। ठीक है, 260.86 न्यूटन पर मीटर ये सॉल्व हो गया। तो ये फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन टू पाई अलग, म्यू नॉट इक्वल होता है आपका फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन के, और आई वन आई टू वैल्यू दी है, डी वैल्यू दी है। फिर बात कर रहे हैं इधर की, कंसीडर द फॉलोइंग टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन MN। ठीक है, एक जैसे लाइन है MN, इसमें M है 2, 5 और माइनस तीन, और ये N है माइनस तीन और एक और चार। ओके, तो ये आपका पॉइंट हो गया M और ये पॉइंट हो गया N। तो क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एक कहीं पे ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन है मान लो। ओके, ओरिजिन है ये, तो टू द मिड पॉइंट ऑफ द, इसका मिड पॉइंट जो होगा और ये जो ओरिजिन है इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमको बतानी है कि वो कितनी होगी, कितनी यूनिट होगी इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। तो मिड पॉइंट ऑफ एंड का फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पता होना, मिड पॉइंट निकालने के लिए मतलब एक वही जो बाद में सोच रहा था कि दोनों की जो एक्स वाली वैल्यूज हैं वो ले लो, वाई वाई वाली वैल्यूज हैं वो ले लो और जेड वाली वैल्यूज हैं वो ले लो एक साथ और उनका एवरेज कर दो, तो 2 - 3/2, तो हर दो वैल्यू का जो एवरेज होगा वही मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियसली बात है। जैसे 2 और -3 क्या दे देगा -1 और -1/2 दे देगा -0.5, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 1 दे देगा 6 और ये 3 हो जाएगा, -4 दे देगा 1 और ये भी 0.5, ये मिड वैल्यूज आ गई। मिड वैल्यूज ये निकल के आ गए, हम डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला रूट और आपका x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। तो वही चीज करिए कि 0 - इसका स्क्वायर 0 - इसका स्क्वायर इसका, तो कुल मिला के क्या है कि ये जो पॉइंट्स है बस इन्हीं का इंडिविजुअल स्क्वायर और उनका सम, क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा, तो ये आ गया 1/4 1/4 9। तो सॉल्व हो गया आपका, ये आ गया 3.1 something, तो 3.1 यूनिट आ गया क्योंकि हमें रूट ऑफ 9 प्लस कुछ कुछ समथिंग वहां पे करना था, इस वजह से ये ऐसा आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द, ये आपको डी दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन दी हुई है डी कैपिटल डी की डेंसिटी की, बी इज इक्वल टू 2 AY mT/Tesla टू सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर रीजन, रीजन आपको सिग्मा दे दिया, कनेक्टिविटी 0, रो वी भी दे दिया है 0, द वैल्यू ऑफ के, तो इसमें जो के, ये के है, ये वाला के दिख रहा होगा, ये के हमें बताना है। तो गिवन रो वी इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन, तो ये आपका जब 0 होगा, ओके, वॉल्यूम डेंसिटी, तो आपका मतलब मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डेल डॉट डी जो है आपका, ये जो डाइवर्जेंस है ये आपका 0 हो जाएगा, डेल डॉट डी क्या हो गया, डेल डी एक्स डेल अपॉन एक्स डी एक्स डेल डी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड जेड अपॉन डेल जेड। तो इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उनको हमें डिफ्रेंशिएट कर देना इन्हीं के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पहले जो एक्स वाली वैल्यू है तो उसको डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई वाली को डेल वाई और जेड, ऐसे ये आपको दे देगा कुछ, उसको 0 के इक्वल रखना है। तो कल मिला के ये जो बी इज इक्वल टू, इसका बी का काम ही नहीं है, आपको क्या करना है डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0 रखना है बस, इन टोटल जो बी है इसका काम ही नहीं है, ये कर दिया तो आपका ये k की वैल्यू -6 के इक्वल आ गई, तो ये -6 वाला आपका सही हो गया माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब 4 पोल, एक 4 पोल का वेव वर्न आर्मेचर हैविंग 45 स्लॉट्स विद 18 कंडक्टर पर स्लॉट, तो हर एक स्लॉट में 18 कंडक्टर है, तो 45 स्लॉट्स में कितने हो गए, 45 × 18, ये तो एक साथ हो गया, क्योंकि यही चीज उन्होंने पहले करी है, 45 छोटा कंडक्टर 45 × 18 ड्रिवन एट इतने आरपीएम, तो ये स्पीड हो गई एन, ठीक है, आरपीएम में 1200 आरपीएम हो गया, तो फ्लक्स पर पोल इस 0.016 वेबर, फ्लक्स पर पोल की अगर बात करें तो इतना वेबर है, तो आप क्या बताना है जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा, ये पोल हो गया, ये फ्लक्स पर पोल हो गया, तो यहाँ पे ए की जो बात आ रही है, ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये हमारा पूरा फ्लक्स का फॉर्मूला लग गया।
कि 5p इंटू एन मतलब ये पोल है, ये आरपीएम में स्पीड है, अपॉन 60 और जेड अपॉन ए, मतलब कुल मिला के इस तरीके के फॉर्मूलों में नीचे 120 रहता है। जैसे आपका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का भी होता है, ये फिर एनएस का होता है। ओके, तो एफ इंटू 120 बाई पी, ये आपका फॉर्मूला लगता है, ये आरपीएम है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये 120 आपका इसी 60 और इसी ये जो ए टू वैल्यू ली है ये इसी से निकलता है। इसको बाई डिफॉल्ट हम 120 करके ही यूज करते हैं, तो ये जो है ये आपका 120 ही बन गया डिनोमिनेटर में। तो एन एस इजकल टू फ्रीक्वेंसी इंटू 120 अपॉन पोल, अगर इसमें स्लिप की वैल्यू है तो 1 माइनस SB कर देते हैं, वो स्लिप अलग चीज़ है। तो ये आपका इंडक्शन मोटर्स की ही बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ पोल, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है डायरेक्ट तो ये कैसे होगा, एन एस इंटू नंबर ऑफ पोल अपॉन 120, ये ऐसा हो जाएगा। बट अगर आपको आरपीएम निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऊपर रहेगी, 120 भी ऊपर रहेगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ करी है, ये फाइव आपका इस फॉर्मूले में इजी जो ईएमएफ है 5 PN अपॉन 120 नीचे और इंटू जेड भी 5 PN जेड अपॉन 120, इतना याद रखेंगे। ये फाइव हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका आरपीएम हो गया और ये आपका जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये जेड क्या है, टोटल कंडक्टर 45 × 18, ये सॉल्व होकर आपका इतना वोल्ट आ गया 518.4 वोल्ट। तो ईएमएफ क्या है, 5 PN इंटू जेड, टोटल कंडक्टर भी ऊपर मल्टीप्लाई में, पी भी मल्टीप्लाई में, एन भी है, फाइव भी है और अपॉन नीचे 120 है। उसके बाद यहाँ पे फॉर अ टर्मिनेटेड यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन द इम्पिडेंस जेड एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लोड विल बी, तो इम्पिडेंस की बात कर रहा है कि जेड एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स कितना होगा फ्रॉम द लोड विल बी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेड एक्स की अगर बात कर रहे हैं, इक्वल टू जेड नॉट, पहले आंसर ही देख लेते हैं, जेड एल प्लस जेड नॉट, जेड ओ प्लस जेड एल, ठीक है। ऊपर जेड एल अलग है सिंगल, नीचे जेड ओ अलग है, ये याद रखिए। ओके, तो ये आपका जेड ओ के इसमें टेन एच गामा एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो टर्म है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, अंतर कहाँ है। जैसे इसमें इसमें जे डाल दिया तो वो जे गलत है, ये जे नहीं आएगा, ये कुछ ये बिना जे का होगा, रियल वैल्यूज रहेंगी। इसमें भी जे डाल दिया ये भी गलत है। ओके, यहाँ पे बाहर जेड एल मल्टीप्लाई है तो जेड एक्स इजकल टू ये आपका जेड ओ रहेगा। ओके, फिर यहाँ जेड एल रहेगा, फिर जेड ओ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा समथिंग समथिंग, नीचे जेड ओ यहाँ रहेगा और जेड एल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा समथिंग समथिंग। तो चारों फॉर्मूले ऑप्शन में है, उसमें से एक सही है, बाकी थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस किए गए हैं, बाकी सबकी वैल्यूज है। जेड ओ आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इन लाइन है, जेड एल लोड इंपेडेंस है, गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस जे बीटा के इक्वल होता है गामा। ये सब चीज़ें पता हो रही है कि गामा इज अल्फा प्लस जे बीटा के इक्वल है। अब उसमें भी अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट है और ये आपका बीटा फेज कांस्टेंट है, तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट इन दोनों से मिलकर बना है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट। ओके, उसके बाद ये जेड इजकल टू डी इजकल टू एक्स, अगर है ये जो डी इजकल टू एक्स पे पूछ रहा है, ये लोड है, ट्रांसमिशन लाइन जेड हो, ये ही फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब तो फॉर्मूला को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की बात करें, ये डेल और अ गुड कंडक्टर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल इज इक्वल टू 1/α इक्वल होता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ गुड कंडक्टर इज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गुड कंडक्टर का जिक्र किया है, ये कितना होगा, तो 1/α। और अल्फा आपका क्या है, ये आपका अल्फा इज इक्वल टू ये रूट पाई एफ न्यू और ये सिग्मा, ये सब इसमें चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं है, सिग्मा कनेक्टिविटी है या फ्रिक्वेंसी आपका। ओके, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1/α के इक्वल है और हमें निकालना है डेल, तो डेल इज 1/α इजकल टू 1/√πfμσ, क्योंकि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसके लिए, गुड कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड या उसकी डायमेंशंस दिए ए और बी, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट मोड विल बी नियरली, तो डोमिनेंट मोड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट मोड TE10, तो इसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC10। ओके, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला इजी फॉर्मूला है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो हमेशा C/2A के इक्वल होता है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद डोमिनेंट मोड के लिए, वैसे तो रूट ऑफ और ए और बी सब कुछ आ जाता है, C/2 है तो C आपको पता है, 2 आपको पता है, इसमें से ये आपने A ले लिया और उसको मीटर में बना लिया, तो 10^-2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व करके 2.94 GHz आ गया, तो आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल आया। उसके बाद आता है कि इफ द अपर्चर एफिशिएंसी 70%,
डायरेक्टिविटी डी ऑफ अ पैराबोलिक डिश एंटीना, किस तरीके का डिश एंटीना है, पैराबोलिक डिश एंटीना है। डायरेक्टिविटी डी ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस इज, डी इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्टिविटी डी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, मतलब उसके फॉर्मूले में रेडियस आना जरूरी है, क्या होगी एफिशिएंसी, अपर्चर एफिशिएंसी उसने बोल दी है 70%। तो जी फॉर्मूला होता है ये आपका गेन का कि पाई स्क्वायर डी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर के, डी क्या है डायमीटर जो कि 2R के इक्वल है, उसने कहा है कि आप R के टर्म्स में बनाओ, तो आपको जो डी फॉर्मूले में होता है डायमीटर उसको R में बनाना पड़ेगा, 2R आपने कर दिया, लैम्डा आपने क्या कर दिया सी बाई एफ कर दिया, तो जी क्या आ गया पाई स्क्वायर डी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर और डी की जगह आपका 2R अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये आपका डायरेक्टिविटी है जिसको जी करके लिखा है, डायरेक्टिविटी है क्योंकि डी जो होता है वो डायमीटर की को शो कर रहा है, तो आपको दूसरा सिंबल लेना पड़ेगा, इस वजह से दूसरा सिंबल लिया हमने, तो ये डी इजकल टू जी इजकल टू पाई स्क्वायर डी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ठीक है, रिपीट होकर वही आ रहा है बार बार, पाई स्क्वायर डी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इनटू के, ओके ये तीन चीज हो गई, तो पाई स्क्वायर डी बाई लैम्डा का स्क्वायर के, डी को 2R कर दिया अपॉन लैम्डा स्क्वायर, के जो है वो एफिशिएंसी को शो कर रहा है, दिस इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी उन्होंने 70% दी मतलब 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R और लैम्डा को के अलावा जैसे 2 का स्क्वायर 4 बन गया, ये 0.7 तो ये 2.8 बन गया, 2.8 इंटू पाई का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू जो है 2.8 इंटू पाई का स्क्वायर, ये आपका आ गया 27.63 R अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ये आपका 28 के इक्विवेलेंट आ गया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एज इट इज रिपीट होकर आता है तो सॉल्व करने में तो टाइम जाएगा, आपको अगर पता है याद है 70% एफिशिएंसी पे डायरेक्टिविटी तो 28 सीधे आता है R बाई लैम्डा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन एंटीना रेडिएट्स आइसोट्रॉपिकली ओवर अ हाफ स्पेस अबव अ परफेक्टली कनेक्टिंग फ्लैट ग्राउंड प्लेन, एक एंटीना ऐसे तरीके से आपको प्रोपोगेट करता है, इफ ई इज इतना है 50 मिली वोल्ट पर मीटर और आरएमएस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर एंड द एंटीना टर्मिनल करंट जो है वो 3.5 एम्पीयर, रेडिएशन रेजिस्टेंस पूछ रहा है ठीक है, आर आर आपसे पूछ रहा है, ई आरएमएस हम निकालते हैं तो 50 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर एट आर इजकल टू 1 किलोमीटर, ये हमें दिया है अलग अलग वैल्यू, ई आर एमएस ये दिया है करंट दी है, तो पी रेडिएशन जो होगा तो पी रेडिएशन किसके इक्वल होगा आपका पी इजकल टू आई स्क्वायर आर, और आपको इसी आर आर पे काम करना है, तो रेडिएशन तो आपको मतलब रेजिस्टेंस तो चाहिए आपको किसी भी तरीके का, रेडिएशन रेजिस्टेंस हो या सिंपल हो या आपको चाहिए, तो पी आर पी रेडिएशन इज आई स्क्वायर आर एमएस आर रेडिएशन, तो पी रेडिएशन क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पी एवरेज इंटू एरिया, ओके मैग्नीट्यूड ऑफ पी एवरेज इंटू एरिया, ये दूसरा फॉर्मूला है कि पी रेडिएशन इसके इक्वल भी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी एवरेज इंटू एरिया, तो यहाँ से पी रेडिएशन क्या निकाला हमने, ई आर एम एस ई स्क्वायर आर एम एस और अपॉन ईटा नॉट, ठीक है ये क्या है ये पी एवरेज का फॉर्मूला है ठीक है, ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन ईटा नॉट एफिशिएंसी और 2π स्क्वायर ये एरिया है, तो आर रेडिएशन क्या निकला यहाँ से आपका P रेडिएशन अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले निकाले, एक फॉर्मूला इससे निकाला और एक फॉर्मूला इससे निकाला, इससे हमने P रेडिएशन इजकल टू P एवरेज एरिया, उसमें एरिया मल्टीप्लाई किया पाई आर स्क्वायर P एवरेज मल्टीप्लाई किया, P एवरेज का खुद का फॉर्मूला है आपका E आर एम एस स्क्वायर अपॉन ईटा नॉट, और यहाँ से R रेडिएशन निकाला जो कि P रेडिएशन अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस के इक्वल है, अब दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया कि यहाँ से जो P रेडिएशन निकाला था इन टर्म्स ऑफ दिस उसको हमने यहाँ रख दिया पी रेडिएशन की जगह, तो आर रेडिएशन का ये फॉर्मूला बन गया, तो कुल मिला के बोले तो ई अपॉन आई का स्क्वायर और 2π r² अपॉन ईटा नॉट, ये अलग अलग हो गया, ये वैल्यूज ई ई हमें पता है, आई पता है, ईटा नॉट पता है, ये कहाँ दिया है ये हमें दिया 3.5 एम्पीयर दिया है, ये सारी वैल्यूज दी हैं ओके 1 किलोमीटर डिस्टेंस दी है, तो ये सारी वैल्यूज हमने लगा दी, ईटा नॉट आपका एक जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की बात हो रही है तो आपको 120π यूज करेंगे, जैसे 377 ओम भी बोल लेते हैं 120π, तो 120π हमने यूज कर दिया इसकी जगह, तो 120π किसकी वैल्यू है, ईटा नॉट की वैल्यू है, ये ईटा नॉट जो है 120π, ये सारी वैल्यूज लगा के सॉल्व होकर 3.401 ओम आ गया, तो इसमें से आंसर आपका ए सही हो जाएगा, तो लेंथी क्वेश्चन है फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसके लिए 3.4 ओम। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंटीना गेन जी एंड द इफेक्टिव एरिया ए ई अपर्चर, इफेक्टिव एरिया बोले तो जी और ए ई के बीच में क्या आपका सही रिलेशन है, तो ए ई जो होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4π इंटू जी डी के इक्वल होता है, तो जी डी क्या हो गया 4π ए ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा को हमने सी और एफ क्योंकि आंसर में हमारा सी ऑफ एफ के फॉर्म में है,
या आप उल्टा भी कर सकते हो, ये सी स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है, ये आपका 1 अपॉन सी अपॉन एफ के स्क्वायर के इक्वल है, और ये सी अपॉन एफ किसके इक्वल है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। तो इसी फॉर्मूले का जैसे यही वाला है, तो ये 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू ए, ये फॉर्मूला बन गया, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला था है, जी डी इज ए ई 4 पाई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला है, उल्टा करके चेक कर लो। बाकी इन्होंने फ्रेसेस को चेंज करके ऐसे बना दिया जो हमें ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तो 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए, जैसे यहाँ 2 पाई है ये गलत है, 0.5 गलत है, 3 गलत है, 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू ए जो एरिया है। फिर बात आती है कि द सिग्नल टू नॉइज रेशियो फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना, एक आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका क्या होगा वो हमें बताना है। ओके, यहाँ अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं, इसमें लैम्डा स्क्वायर का टर्म ऊपर तो चारों में सेम है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के टी सिस्टम बी, पाई स्क्वायर यहाँ आर क्यूब कर दिया, यहाँ आर फोर कर दिया, ठीक है आर फोर कर दिया, बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम है। मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, यहाँ पे 16 आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1.12 आर की पावर 4 है, यहाँ पे 1.14 आर की पावर 3 है, यहाँ पे 1.10 आर की पावर 4, इस तरीके से क्वेश्चन देखा करो, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो इसमें सब में कुछ कुछ चेंजेस हैं, जैसे इसमें दो में तो सेम है आर की पावर 4 बट वैल्यू अलग है, तो क्या हमारा ठीक होगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट फार्मूला में 16 रहता है और आर स्क्वायर रहता है, हमारा आर स्क्वायर केवल इसमें है, तो आपका ऑप्शन ए ही ठीक हो गया कि लैम्डा स्क्वायर, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात हो रही है आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए, लैम्डा स्क्वायर और अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इंटू टी सिस्टम इंटू बी, तो 16 आर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, ये याद रखेंगे, मेन चीज बस ये 16 और ये आर स्क्वायर याद रखने की है। उसके बाद बात करते हैं कंसीडर द क्यूब डिफाइंड बाय, इससे क्यूब डिफाइन किया है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू 1, 3, ये वेक्टर ए, ठीक है एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू समथिंग दिस, ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में दे रखा है, ए कैप एक्स और ए कैप वाई, इसमें कुछ चीजें दे रखी, ए कैप जेड नहीं है। डेल डॉट ए एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी, तो क्यूब के सेंटर पे डेल डॉट ए क्या होगा, तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो बेसिक से चलते हैं, बेसिक क्या कहता है, आपके पास ए है, आपको डेल डॉट ए निकालना है, बस आप चुपचाप निकाल लो, तो डेल अपॉन डेल एक्स कर दो एक बार, उसमें एक्स वाला टर्म रख लो, डेल अपॉन डेल वाई कर दो उसमें वाई वाला टर्म रख लो, तो इनका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये 4xy + 6x² आ गया। तो वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू 1, 3, मतलब तीनों की जो रेंज है वो 1, 3 के बीच में, इसका ये मतलब है कि एक्स भी 1, 3 के बीच में, वाई भी और जेड भी। तो इसमें हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब देखना है, तो एक्स मान लो 1 और 3 के बीच में नंबर लाइन, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को आप ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सही तरीका निकालने का ये है ना, ये इसका मिड पॉइंट क्या होगा, वैसी बात है 2 होगा, कैसे होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज ये मिड पॉइंट हो गया 2, 2, 2, तो इसमें 2 रख दो, तो ये 4 × 2 × 2 + 6 × 2² × 2, तो इस तरीके से ये सॉल्व होकर आ गया 16 by 48 = 64 आ गया आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 64, ठीक है इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग सही से लगाना था, थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या, जब इन्होंने ये दिया x, y, z belongs to 1/3,